याद दिलाती, लेकिन याद दिला देती हूँ, गुड थैंक यू वेरी मच। उसके बाद ये जो बैक्टीरिया थे इनको भी आपने प्लांट किंगडम में डाल दिया, क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया में भी सेल वॉल मौजूद होता है, ठीक है, बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होता है, बात होती है। तो ये दो बड़े किंगडम थे शुरू के अंदर, एनिमल किंगडम जिनके अंदर हेटरोट्रॉप होते हैं और सेल वॉल एब्सेंट होती है, मोटाइल होते हैं, और प्लांट किंगडम जिनमें ऑटोट्रॉप होते हैं, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, क्लोरोफिल मौजूद होता है। तमाम पौधे, तमाम फंगस, तमाम एल्गी, तमाम बैक्टीरिया आपने प्लांट किंगडम में डालती है, और एनिमल्स और प्रोटोजोअन्स को आपने एनिमल किंगडम में डाल दिया। और दूसरी बात कि जो प्रोटोजोअन्स है उनको आप यूनिसेलुलर एनिमल्स मानने लग गए, और जो एल्गी है उनको आप यूनिसेलुलर प्लांट्स मानने लग गए। अब उसके बाद अब इन इस दो किंगडम्स के अंदर ना इशू उठने लग गए, ऑब्जेक्शन आए। क्या ऑब्जेक्शन है, पहले हम उसकी बात कर लेते, फिर हम विटिकर पर जाएंगे। ये जो दो किंगडम थे ना, ये दो किंगडम जो आपके चल रहे थे, एक एनिमल किंगडम और एक प्लांट किंगडम, तो इन पर कुछ ऑब्जेक्शंस उठना शुरू हुए। अब वो क्या ऑब्जेक्शंस थे, अब मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ। बुलेट्स डाल देते हैं, अच्छा लगेगा। मैंने तो बुलेट्स डाली थी, पता नहीं कहाँ चला गया। भाई मैं नहीं डाल। अच्छा, अब कुछ ऑब्जेक्शंस उठे जी, ये जो आपके दो किंगडम से प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, इस पे कुछ ऑब्जेक्शन उठे। पहला ऑब्जेक्शन क्या उठा जी, पहला ऑब्जेक्शन प्रोटोजोअन्स पे उठा, वही प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर एनिमल्स, उन पे ऑब्जेक्शन उठा। कुछ प्रोटोजोअन्स जो थे ना वो ऑटोट्रॉप आ गए, कुछ जैसे कि मिसाल के तौर पे युगलेना जो है ना वो ऑटोट्रॉप होता है यूनिसेलुलर है, फ्लैजिला होता है, मूव भी करता है, उसमें सेल वॉल भी नहीं होता, लेकिन ऑटोट्रॉप निकला। अब आप देखो ना, प्रोटोजोअन्स एनिमल्स में थे, एनिमल्स हेटरोट्रॉप होते हैं। अब ये प्रोटोजोअन ऐसा है जो ऑटोट्रॉप निकल आया, तो उसका मतलब है ना वो गलत बैठा हुआ इस किंगडम के अंदर। युगलेना इस किंगडम से ताल्लुक रखता है क्योंकि प्रोटोजोअन्स इसमें, लेकिन इस किंगडम की खास बात क्या है, हेटरोट्रॉप, और युगलेना निकला ऑटोट्रॉप, एक गड़बड़ी आ गई। क्या आपके पास एक प्रोटोजोअन ऐसा आ गया, एक नहीं बल्कि उसके बाद काफी भी और भी बहुत सारे डिस्कवर हुए। हम तो फिलहाल एक की एग्जांपल ले लेते हैं, युगलेना एक ऐसा प्रोटोजोअन निकल आया जो कि ऑटोट्रॉप था, वो एनिमल किंगडम में बैठा हुआ है, हालांकि एनिमल किंगडम में वो हेटरोट्रॉप होते हैं, ये ऑटोट्रॉप निकल आया। दूसरा एतराज उठा जी किस पर, बैक्टीरिया पर। बैक्टीरिया पे क्या एतराज निकला कि बैक्टीरिया आपने प्लांट किंगडम में डाला हुआ है, ये देखें बैक्टीरिया आपने प्लांट किंगडम में डाला हुआ है, और प्लांट किंगडम में कौन होते हैं, ऑटोट्रॉप, लेकिन बैक्टीरिया की कुछ स्पीशीज जो है ना वो हेटरोट्रॉप्स हैं। कुछ है, जैसे कि पैरासाइटिक बैक्टीरिया होता है ना जो हमें बीमार कर देता है, हमारी बॉडी के अंदर जाता है, वो हेटरोट्रॉप होता है, वो हमारी बॉडी से खाना हासिल कर रहा है, वो हेटरोट्रॉप है। लिहाजा आपने बैक्टीरिया को प्लांट किंगडम में डाला हुआ है, ऑटोट्रॉप होना चाहिए बैक्टीरिया, लेकिन कुछ आपकी जो बैक्टीरिया की स्पीशीज है वो हेटरोट्रॉप निकल आई, तो ये बैक्टीरिया भी प्लांट किंगडम में गलत बैठा हुआ है। इसी तरीके से फंगस पे एतराज आया, फंगस पे क्या एतराज आया, फंगस हेटरोट्रॉप्स होता है, ठीक है, और इसका जो सेलुलर लेवल स्ट्रक्चर है ना वो भी डिफरेंट है। ये जो फंगस है, आपने देखा फंगस को किस किंगडम में डाला हुआ है, एनिम प्लांट में डाला हुआ है। वजह क्या आती है कि फंगस के अंदर सेल वॉल होता है और प्लांट किंगडम में भी सेल वॉल है, लिहाजा आपने फंगस को सेल वॉल में डाल दिया। लेकिन जब आपने फंगस की स्टडी करी तो पता चला भाई फंगस का सेल वॉल है लेकिन वो ऑटोट्रॉप नहीं है, वो हेटरोट्रॉप है, प्लांट किंगडम में ऑटोट्रॉप होने चाहिए। फिर मजीद आपने उसको जब स्टडी किया तो उसका तो सेलुलर स्ट्रक्चर बिल्कुल ही प्लांट से डिफरेंट है। प्लांट के अंदर जो सेल वॉल होता है उसके अंदर सेलुलोस होती है और पेक्टिन होती है, और फंगस के अंदर जो सेल वॉल होता है उसके अंदर फंगस सेलुलोस होती है और चिटन होता है, यानी कि बिल्कुल सेल वॉल दोनों में है लेकिन बनावट अलग है। प्लांट का सेल वॉल अलग कंपाउंड से बना हुआ है, फंगस का सेल वॉल एक अलग कंपाउंड से बना हुआ है। इसी तरीके से प्लांट के अंदर रूट, स्टेम, लीफ ऐसी चीजें होती हैं, क्लोरोप्लास्ट होता है, इसका तो फंगस के अंदर ना क्लोरोप्लास्ट होता है ना रूट, स्टेम, लीफ जैसी कुछ चीज है। इसी तरीके से प्लांट के अंदर बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं, फंगस के अंदर छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, बहुत यानी कि सेलुलर सेल के अतबार से भी इनका बिल्कुल। अब फंगस जो होता है ना सियोनोसाइटिक होता है, यानी उसके एक एक सेल में कई सारे न्यूक्लियस होते हैं, प्लांट के एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है, तो फंगस तो भाई बिल्कुल ही डिफरेंट है प्लांट से।
आपने तो इसको बिल्कुल सिर्फ एक बात पे कि जी सेल वॉल मौजूद है आपने इसको प्लांट किंगडम पे डाल दिया, हालांकि फंगस तो बिल्कुल ही पौधों से डिफरेंट है, वो हेटरोट्रॉप है, उसका सेल वॉल भी प्लांट के सेल वॉल से बिल्कुल डिफरेंट है, उसमें बिल्कुल उसके जो फंगस के सेल्स होते हैं वो प्लांट के सेल्स से बिल्कुल डिफरेंट है, तो फंगस भी प्लांट किंगडम में गलत आया हुआ है। उसके बाद एतराज आता है एल्गीज पर, एल्गीज का क्या एतराज है, एल्गीज भी बिल्कुल फंगस की तरह डिफरेंट सेलुलर स्ट्रक्चर रखते हैं, ठीक है, सेल वॉल इनमें भी होता है प्लांट में भी होता है, ठीक है, ये जो दो प्रॉपर्टीज है ना ऑटोट्रॉप सेल वॉल दोनों एल्गीज में भी है प्लांट में भी है, लेकिन एल्गीज का सेलुलर स्ट्रक्चर भी आपके जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं इनसे डिफरेंट है, एल्गीज में रूट नहीं होती, स्टेम नहीं होती, लीफ नहीं होती, प्लांट में रूट स्टेम लीफ होता है, एल्गीज के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, कोई मेल फीमेल गैमेट्स नहीं बनता, प्लांट में बनता है, प्लांट में मेल फीमेल गैमेटोफाइट होता है, आगे जाके आप पढ़ोगे प्लांट में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, एल्गीज में नहीं होती है, एल्गीज का तो बिल्कुल सेल बिल्कुल आप तमाम एल्गीज यूनिसेलुलर है, जिनको हम मल्टी सेलुलर समझते हैं वो भी मल्टी सेलुलर नहीं है, है यूनिसेलुलर एल्गीज लेकिन कॉलोनी के फॉर्म में रह रहे हैं। तो एल्गीज में सिर्फ दो खूबियां ऐसी हैं जो प्लांट से मिलती है, एक ऑटोट्रॉप और एक सेल वॉल, बाकी डिफरेंट स्ट्रक्चर है, बिल्कुल प्लांट एक अलग कैटेगरी की चीज है और एल्गीज बिल्कुल अलग कैटेगरी की चीज है। तो एल्गीज के भी लोगों का ख्याल होने लग गया कि भाई एल्गीज भी इस प्लांट किंगडम में गलत आ रहा है, गलत बैठा हुआ है। और आखिरी एतराज आया जी ब्लू ग्रीन एल्गी, एक स्पीशी थी एल्गीज की ब्लू ग्रीन एल्गी, और दूसरा कौन था बैक्टीरिया, इन दो पर एक और एतराज आया कि ये दोनों के जब सेल ऑब्जर्व किए गए तो ये तो बाकी तमाम ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट, इनके सेल्स प्रोकैरियोटिक थे, ठीक है, ऊपर बगैर न्यूक्लियस वाले जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, यानी आपने फंगस प्लांट प्रोटोजोअन्स एनिमल्स तमाम के सेल स्टडी की, आपको यूकैरियोटिक नजर आए, लेकिन सिर्फ ये दो ऐसे ग्रुप हैं, एक ब्लू ग्रीन एल्गी और एक बैक्टीरिया, इनके सेल्स प्रोकैरियोटिक है, यानी इन दोनों में सिमिलैरिटी और ये बाकी तमाम से डिफरेंट है, तो ये तो बिल्कुल ही सबसे हटके डिफरेंट होगा, ठीक है, दोनों है तो प्लांट किंगडम के अंदर लेकिन बाकी तमाम प्लांट से डिफरेंट होगा, क्योंकि बाकी दुनिया में जितने भी पौधे हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं, ये दो प्रोकैरियोटिक है, तो इनके लिए तो बिल्कुल अलहदा ग्रुप होना चाहिए, एक अलहदा किंगडम होना चाहिए ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया के लिए, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक है, ये बाकी दुनिया के तमाम ऑर्गेनिज्म से बिल्कुल डिफरेंट है, इनका सेल डिफरेंट है, ये यूनिसेलुलर होता है। तो बहुत सारे एतराजात उठने लग गए आपका, ये जो पांच किंगडम्स दो किंगडम्स थे ना, बहुत एतराज उठे और सबों ने ये कहा ये दो किंगडम काफी नहीं है, इनमें मजीद एडिशन की जाए, नए किंगडम्स बनाए जाए और इन मामलात को सॉल्व किया जाए। तो फिर बहुत सारे स्कीम्स मुतारिफ कराई गई, लेकिन जो सबसे ज्यादा कहते हैं ना पब्लिसिटी मिली वो थी रॉबर्ट विटिकर के पांच किंगडम्स को। रॉबर्ट विटिकर नाम एक साइंटिस्ट था, उसने 1969 को शायद 1969 को पांच किंगडम्स मुतारिफ कराए थे, किंगडम मुनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाय, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। अब सबसे पहले देखते हैं कि इसने किन बुनियादों पर क्लासिफिकेशन की थी, किन बुनियादों पर इसने ये पांच किंगडम्स बनाए थे, इसने दो बुनियादों पर बनाए थे, ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर और ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। इन दो बुनियादों पर इसने पांच किंगडम्स बनाए थे ऑन द बेसिस, यानी इसने तमाम ऑर्गेनिजम्स की सिर्फ ये दो खूबियां चेक करी हैं, ऑन द सेलुलर स्ट्रक्चर चेक किया और न्यूट्रिशन चेक किया। सेलुलर स्ट्रक्चर इसने जब चेक किया तमाम ऑर्गेनिजम्स का, तो इसको तीन तरह के ऑर्गेनिजम्स नजर आए, प्रोकैरियोटिक एक, दूसरा इसको यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक नजर आए और तीसरा इसको मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक नजर आए, ठीक है, मैं अलग कर देता हूं इनको। ये तीन जब इसने सेलुलर स्ट्रक्चर देखा ना, यानी सेलुलर स्ट्रक्चर का मतलब होता है सेल्स को देखा, तो विटिकर ने, आपके जो रॉबर्ट विटिकर साहब थे, इन्होंने जब क्लासिफिकेशन की तो पहले तो इन्होंने जी दो पॉइंट को ध्यान में रखा, एक सेलुलर स्ट्रक्चर और एक न्यूट्रिशन। सेलुलर स्ट्रक्चर के अतबार से इसको तीन कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स मिले, एक वो जिनके सेल्स में न्यूक्लियस नहीं था यानी कि वो प्रोकैरियोटिक, एक ऐसे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जिनके सेल में न्यूक्लियस होता है और वो यूनिसेलुलर होते हैं, और ऐसे यूकैरियोटिक जिनके सेल में न्यूक्लियस होता है और वो मल्टीसेलुलर होते हैं। तो इसने तीन कैटेगरी बना दी, ठीक है, तीन कैटेगरी बना दी इसने मुख्तलिफ किंगडम्स में, ये तीन डाले।
और ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन यानी खाना का तरीकेकार, तो उस हिसाब से इसने वही हेटरोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप्स वाले दो कैटेगरी बना दी। तो इन पांच, इन दो बुनियादों पर इसने जो है ना क्लासिफिकेशन की थी विटिकर ने। पहली सेलुलर स्ट्रक्चर के अतबार से, उस हिसाब से इसके पास तीन ग्रुप थे, प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक और मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक। और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन खाने के अतबार से, तो कुछ वो थे जो खाना खुद नहीं बना सकते हेटरोट्रॉप, और वो थे जो ऑटोट्रॉप। अब इन बुनियादों पर, इन पांच बुनियादों पर इसने पांच किंगडम बना दिए, मुनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। मुनेरा के अंदर इसने तमाम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स डाल दिए, यानी कि ये वाले इनको कहाँ डाल दिया इसने, मुनेरा के अंदर प्रोकैरियोटिक, ठीक है। तो तमाम जितने भी प्रोकैरियोटिक थे उसने क्या करा जी, इसने प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप, एक किंगडम बना दिया, उसका नाम रखा मुनेरा। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जितना भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है दुनिया में वो सारे यूनिसेलुलर है, तो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स इसमें आ गए। अब वो कौन से थे, मैंने आपको ऊपर भी बताया, दो ही कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म थे जो बाकी सबसे डिफरेंट थे, प्रोकैरियोटिक थे, एक बैक्टीरिया और एक ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इन दोनों को इस किंगडम में डाल दिया गया, बैक्टीरिया को इसमें डाल दिया, ब्लू ग्रीन एल्गी को इसमें डाल दिया। फिर उसने बनाया दूसरा किंगडम, किंगडम प्रोटिस्टा, इसने इसके अंदर ये वाले डाले, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, ये इसने डाले प्रोटिस्टा में, ठीक है। तो इसने ये जो दूसरा किंगडम बनाया किंगडम प्रोटिस्टा, उसमें इसने यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर डाल दिए। न्यूट्रिशन के मामले में इसने लचक रख दी, भाई ऑटोट्रॉप भी हो सकते हैं, ऑटोट्रॉप भी, कुछ ऐसे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक जो ऑटोट्रॉप है जैसे कि यूग्लेना, और कुछ ऐसे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक जो हेटरोट्रॉप है जैसे कि एमीबा। तो इसने ये वाला जो था यूनिसेलुलर कैरियोटिक, ये इसने प्रोटिस्टा किंगडम में डाल दिया, और न्यूट्रिशन दोनों थी, ऑटोट्रॉप भी होते हैं इसमें, हेटरोट्रॉप भी होते हैं, वैरायटी रख दी थी इसमें। उसके बाद तीसरा किंगडम इसने बनाया किंगडम फंजाई, किंगडम फंजाय के अंदर इसने मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक डाले, कौन से वाले, ये वाले। अब यहां पर ये ऑटोट्रॉप इस हिसाब से, इसने जो तीन किंगडम थे वो मैं अब नीचे ही रहूंगा, इस पे देखिएगा। किंगडम फंजाय के अंदर इसने मल्टी सेलुलर, सिर्फ एक फंगस यीस्ट होता है उसको छोड़ दे, वो एक यूनिसेलुलर है, इसने यहाँ उसकी छूट दे दी, यीस्ट को इसने फंगस में ही रखा किंगडम फंजाय में। तो इसने कहा जी इसके अंदर तमाम मल्टी सेलुलर होंगे, सिर्फ यीस्ट को छोड़ के यूकैरियोटिक होंगे, इनमें सेल वॉल मौजूद होगा, ये हेटरोट्रॉप होंगे, एब्जॉर्ब, ठीक है। तो यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, सेल वॉल प्रेजेंट होता है और हेटरोट्रॉप होते हैं। बिल्कुल इसी तरह का एक और किंगडम आएगा, उसमें हेटरोट्रॉप की जगह इंजेस्टिव आएगा। अब ये एब्जॉर्प्टिव और इंजेस्टिव ये अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। फिर आते हैं किंगडम प्लांटी पे। किंगडम प्लांटी में इसने यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर डाले, लेकिन कौन से वाले, जिनमें सेल वॉल मौजूद होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ऑटोट्रॉप इसमें डाले थे, ठीक है। तो यहां पर आते हैं अगर हम इस तरफ, तो ये जो मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक है ना, इनमें बहुत टाइप है, कुछ ऐसे हैं जिनमें सेल वॉल है, कुछ ऐसे हैं जिनमें सेल वॉल नहीं है, कुछ ऐसे हैं जो हेटरोट्रॉप है, कुछ ऐसे हैं जो ऑटोट्रॉप है। तो इसने मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक के तीन किंगडम बनाए थे मल्टी सेलुलर, यानी कि इसके ना इसने तीन किंगडम बनाए थे, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तीन किंगडम जो इसने मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक के बनाए थे, क्योंकि ये बड़ा ग्रुप होता है, इसमें बहुत ऑर्गेनिज्म है। फंगस के अंदर सेल वॉल एब्सेंट, सेल वॉल प्रेजेंट होती है और हेटरोट्रॉप होते हैं। प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और ऑटोट्रॉप होते हैं। एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है और हेटरोट्रॉप होते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा फर्क आ गया। तो फंगस के अंदर इसने क्या रखा, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक, सेल वॉल प्रेजेंट होता है, हेटरोट्रॉप्स होते हैं ये, ठीक है। अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकते, मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल आप फंगस ले लें, जितनी अभी जितनी भी फंगस है, जैसे राइजोपस होता है, एगेरिकस होता है, ये सारे इसी के अंदर आ गए। यीस्ट जो होता है ये भी इसी में आ गया। फिर किंगडम प्लांटी इसने वही यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर तो लिए, बड़ा ग्रुप था, बस इसमें सेल वॉल मौजूद होते हैं और ये ऑटोट्रॉप होते हैं, फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना खाना तैयार करते हैं। मिसाल के तौर पे जितने भी आपके प्लांट्स है ना, हायर प्लांट्स, बड़े पौधे, वो सब इसके अंदर आ जाते हैं। और आखिरी किंगडम जो था किंगडम एनिमेलिया, इसमें भी इसने यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर डाले, लेकिन कौन से वाले, जिनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है और ये हेटरोट्रॉप्स होते हैं। अच्छा, ये हेटरोट्रॉप कौन से होते हैं, इंजेस्टिव। अब ये एब्जॉर्प्टिव और इंजेस्टिव ये बताता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है जी। तो बात क्लियर हुई, यहाँ पे देखें ये पांच बुनियादों पर क्लासिफिकेशन कर रहा था।
तो प्रोकैरियोटिक किसने बनाया? किंगडम मुनेरा। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक का बनाया इसने किंगडम प्रोटिस्टा। और मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक किसने? तीन किंगडम बनाए, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। फंजाई के अंदर इसने सेल वॉल प्रेजेंट होती है और हेटरोट्रॉप होते हैं। प्लांट के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है और ऑटोट्रॉप होते हैं, यानी इन दोनों में ऑटो और हेटरोट्रॉप का फर्क है। फंजाई और प्लांटी दोनों में सेल वॉल है, बस फंजाई हेटरोट्रॉप होते हैं, प्लांटी ऑटोट्रॉप होते हैं। और ये जो है एनिमल, इनमें सेल वॉल एब्सेंट होता है और ये हेटरोट्रॉप होते हैं। प्लांट से तो बिल्कुल ही डिफरेंट होगा, और फंगस में और एनिमल्स में हेटरोट्रॉप कॉमन हो रहा है। अच्छा, अब आते हैं ये एब्जॉर्प्टिव और इंजेस्टिव क्या होता है। ये वर्ड आ रहा है ना, यहाँ पे हेटरोट्रॉप को मैंने लिखा है, फंगस को एब्जॉर्प्टिव या इंजेस्टिव। देखिए, दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। खाना जो हम हासिल करते हैं ना, हेटरोट्रॉप यानी कि जो खाना एनवायरनमेंट से हासिल करते हैं, इनकी दो कैटेगरी है। एक कहलाते हैं एब्जॉर्प्टिव, एक कहलाते हैं इंजेस्टिव। एब्जॉर्प्टिव आपने सुना होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम 9 में पढ़ा होगा कि हम जब खाना खाते हैं तो उस खाने के अंदर हमें सिर्फ तीन चीजें चाहिए होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, बाकी सब हमारे लिए कचरा है। तो हमारी बॉडी में एक निजाम मौजूद है जिसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। मैं बर्गर खाऊंगा तो डाइजेस्टिव सिस्टम उस बर्गर को तोड़कर उसमें से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को निकालकर खून में एब्जॉर्ब कर देगा, बाकी कचरा बॉडी से बाहर। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन। खाने को तोड़कर उसमें से जो काम के मॉलिक्यूल्स है ना, उनको अलहदा कर देना और वो खून के अंदर उनको डिजोल्व कर देना, और बाकी कचरा जो होता है उसको एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कहकर बॉडी से बाहर डिस्चार्ज कर देना। ये प्रोसेस कहलाता है डाइजेशन। अच्छा, इंजेस्टिव वो होते हैं, हेटरोट्रॉप ये वाले इंजेस्टिव, ये वो होते हैं जिनके अंदर ये जो डाइजेशन का प्रोसेस है ना, ये बॉडी के अंदर हो रहा होता है। यानी ये खाना पहले खाते हैं और बाद में उसको तोड़ते हैं। अब जैसे कि मैं, आप, हम जितने भी ह्यूमंस हैं ना, हम इंजेस्टिव होते हैं। हम पहले खाना खा लेते हैं, बर्गर वगैरह खा लिया, अब बॉडी के अंदर जाके वो डाइजेशन होता है, यानी वो टूटता है। तो इंजेस्टिव कौन से होते हैं? जो पहले खाना खा लेते, खाना खाने को कहते हैं इंजेस्टन। इनमें पहले इंजेक्शन होता है, देन डाइजेशन, बाद में खाना जो है वो टूटता है। ठीक है, तो आप और हम जितने भी है ना, हम पहले खाना खा लेते हैं, बर्गर हमने इंजेक्शन कर लिया, खाना खा लिया, अब हमारी बॉडी के अंदर जाके वो खाना टूटेगा, डाइजेशन होगी, खाना टूटेगा, उसमें से जो काम के मॉलिक्यूल्स है वो खून में डिजोल्व हो जाएंगे। एब्जॉर्प्टिव वो हेटरोट्रॉप होते हैं जिनकी बॉडी में पहले डाइजेशन होता है, पहले डाइजेशन होगा बाद में इंजेक्शन होता है। जैसे कि फंगस वगैरह जो होते हैं ना, ये है एब्जॉर्प्टिव होते हैं, इनमें पहले डाइजेशन होता है, यानी ये अपनी बॉडी के बाहर जो पड़ा हुआ खाना होता है ना, उस पर अपनी बॉडी से इंजाइम्स फेंक देते हैं। अब जब इंजाइम्स उस खाने में पड़ेंगे ना, वो खाना टूट जाएगा, बॉडी के बाहर ही टूट जाएगा, कार्बोहाइड्रेट अलहदा हो जाएंगी, प्रोटीन अलहदा हो जाएंगी, फैट अलहदा हो जाएंगी, और फिर ये खाली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट उनको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसने क्या कि अपनी बॉडी के बाहर डाइजेशन किया, पहले डाइजेशन किया है बाद में खाना खाया। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं एब्जॉर्प्टिव, ये एब्जॉर्ब करते हैं, खाते नहीं है, ये सिर्फ जो काम के, अब ये जो होते हैं ना फंगस, आप हम मर जाएंगे तो हम मिट्टी में चले जाते हैं, अब मिट्टी में हम जाते हैं तो हमारे, हमें फंगस लग जाती है, कीड़े लग जाते हैं, या हम देखते हैं ना डबरूटी, आप देखते हो डबरूटी या कोई फल होता है उस पर फंगस लग जाता है, तो फल जो है सड़ना शुरू हो जाता है। क्यों सड़ रहा है? क्योंकि फंगस जो आया है ना उस पर, जो फंगस उग गया, उसने अपने एंजाइम्स फेंकना शुरू कर दिए। अब वो एंजाइम्स जब आपके वो जो फल पर पड़े, तो आपके फल में से कार्बोहाइड्रेट अलहदा हो गई, फैट अलहदा हो गई, प्रोटीन अलहदा हो गई, डाइजेशन हो गया, तो फल सड़ गया। फल की तो आपने कंपोजिशन खराब कर दी ना, उसके कार्बोहाइड्रेट वगैरह अलग कर दिए, तो वो फल सड़ गया, और वो जितने भी उसको वो जो प्रोडक्ट निकले ना कार्बोहाइड्रेट वगैरह, वो फंगस फिर खा जाता है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो के पहले डाइजेशन करेंगे, यानी खाने को तोड़ेंगे बॉडी से बाहर, और फिर जो कंपाउंड है उनको अपने अंदर बॉडी के अंदर ले लेंगे, यानी इंजेक्शन करेंगे, उनको हम कहते हैं एब्जॉर्प्टिव। फंगस किंगडम फंजाई में जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे ना, वो एब्जॉर्प्टिव होते हैं, यानी बॉडी के बाहर डाइजेशन करेंगे, मॉलिक्यूल्स तोड़ देंगे, अलहदा कर देंगे, उसके बाद उनको खा जाते हैं। और किंगडम एनिमल के अंदर जो हेटरोट्रॉप होते हैं वो इंजेस्टिव होते हैं, यानी पहले खाएंगे, बॉडी के अंदर ले जाकर के उनकी डाइजेशन करेंगे, उनको तोड़ेंगे। तो आई होप यहां तक तो मैं क्लियर होऊंगा, कोई सवाल है तो पूछिएगा। अब उसके बाद इनमें भी एतराजात उठे, इंसान तो कभी सुकून से बैठता नहीं है, अब बेचारे विटिकर ने इतनी मेहनत से पर बेहतरीन अंदाज में इसने देखे 5 किंगडम बनाए। अगर हम वो एतराजात देखें तो काफी एतराजात को उसने एड्रेस कर लिया। ये बैक्टीरिया हेटरोट्रॉप था, तो बैक्टीरिया का उसने अलग किंगडम बनाया हुआ है, प्रोकैरियोटिक। प्रोटोजोअन्स ऑटोट्रॉप होते हैं, तो उसने भाई यूग्लेना वगैरह जो है वो आपको दूसरे किंगडम में, अलग किंगडम में तले हुए एनिमल्स से, उसे काफी इन मामलात को एड्रेस कर दिया। तो जो एतराजात उठ रहे थे, विटिकर ने अपने 5 किंगडम्स के जरिए उन एतराजात का काफी हद तक जवाब दे दिया।
लेकिन फिर विटिगर के भी इस पांच किंगडम्स में ना कुछ एतराजात उठने लग गए। क्या एतराजात थे? ऑब्जेक्शन आ गई जी। अब विटिकर्स की स्कीम पर ऑब्जेक्शन आ गए। एक तो ये समझ में नहीं आता इसमें ये लेआउट क्यों खराब हो जाता है। हाँ, अब विटिकर ने जो स्कीम बनाई थी, विटिकर ने जो अपना किंगडम्स बनाए थे उसमें कुछ एतराजात थे। पहला एतराज ये उठा, बल्कि ज्यादातर जो एतराजात थे ना वो इस दूसरे किंगडम पे थे, इस वाले किंगडम पे, प्रोटिस्टा पे, जिसके अंदर यूकैरियोटिक है और यूनिसेलुलर है। ऑटो राइट्रो तो दोनों होते हैं, इसलिए तो ये बात तो बेकार ही हो जाती है, क्योंकि ये दो न्यूट्रिशन की कैटेगरी है, दोनों इसमें ही है। तो सबसे ज्यादा एतराज जो उठा ना वो उठा किंगडम प्रोटिस्टा पे। क्या एतराज उठा जी? सबसे पहला एतराज इन पे ये उठा कि इनके अंदर एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों हैं। ठीक है, अब आपको मैंने याद होगा पहले बताया था कि इस दौर के लोग जो हैं वो कांगिया ये जी टू वाला, दो किंगडम वाला, इसको टू फाइव हटा दे, दो किंगडम वाला याद रखें। अब इस दौर के लोग क्या कहते थे? प्रोटोजोअन्स नहीं कहते थे, वो कहते थे ये यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं, यानी एनिमल्स मानते थे प्रोटोजोअन्स को, वो एनिमल्स मानते थे, और एल्गीज को वो क्या मानते थे? प्लांट्स। ठीक है, ये तो मैं और आप हैं जिन्होंने आज, अब हमने आगे जाके प्रोटोजोअन्स को कहते हैं अब ये एनिमल नहीं है, ये अलग ग्रुप है, और इनका नाम हमने बाद में रखा है प्रोटोजोअन, उस वक्त थोड़ी रखा हुआ था प्रोटोजोअन, उस वक्त तो आप इनको कहते थे यूनिसेलुलर एनिमल्स। ये एल्गी नाम जो रखा है ना इनका, ये तो हमने बाद में रखा है, उस वक्त तो इनको आप कहते थे यूनिसेलुलर प्लांट्स। तो उस वक्त के दौर में जाए, उस वक्त के दौर में जाए तो दो तरह के ऑर्गेनिजम्स थे, एक ये एनिमल्स और एक ये यूनिसेलुलर एनिमल्स। बात में आपने इनको अलग करा है, डिफरेंट करा है, और इनका नाम अलग से रख दिया प्रोटोजोअन्स। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रोटोजोअन्स को उस दौर के लोग क्या कहते थे? कि ये एनिमल्स हैं। एल्गीज को उस दौर में क्या कहते थे लोग? प्लांट्स हैं। ठीक है, तो अब पहला एतराज जो उठाया वो ये उठाया कि भाई आपका ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है ये वाला, इसके अंदर प्लांट्स और एनिमल्स दोनों आ गए। भाई एल्गीज भी तो इसी में आ गए ना, क्योंकि यूकैरियोटिक है और यूनिसेलुलर है, एल्गीज इसमें आ गए और प्रोटोजोअन्स भी इसमें आ गए। ठीक है, इसके अंदर हम लिख लेते हैं, इसके अंदर जो है हमारे पास जो यूनिसेलुलर, बल्कि यूनिसेलुलर तो होते हैं एल्गीज और प्रोटोजोअन्स इसमें थे। इसी तरह यूग्लेना भी था इसी में, ये यूग्लेना प्रोटोजोअन ही होता है, अमीबा भी प्रोटोजोआ होता है। ठीक है, एल्गी की मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो क्लेमोडोमोनास एग्जांपल उसकी। ठीक है, एल्गी की एग्जाम्पल है क्लेमोडोमोनास, और प्रोटोजोअन्स की एग्जाम्पल है यूग्लेना एमीबा वगैरह वगैरह। तो देख लें प्रोटिस्टा के अंदर एल्गीज भी हैं और प्लांट्स भी हैं। तो सबसे पहले लोगों ने यही 45 हो गए जी, अब ये ऑब्जेक्शन हम एक काम करते हैं कल की क्लास में पढ़ लेते हैं। कल की क्लास में मैं आपको अब ये विटिकर की स्कीम तो मैंने बता दी, अब विटिकर पे जो एतराजात उठे थे ना वो बताऊंगा कि क्या एतराजात उठे थे और फिर उसका क्या हल निकला, फिर नए पांच किंगडम्स बने थे वो बताऊंगा। तो कल की क्लास में ये किंगडम का टॉपिक खत्म हो जाएगा। काइंडली एक काम करिएगा, इसकी वीडियो लाजमी देखिएगा, क्योंकि ये पांच किंगडम आपके कल की क्लास स्टार्ट करने से पहले पांच किंगडम जहन में होने चाहिए। ये वाले पांच, मुनेरा प्रोटिस्टा, ये मुनेरा प्रोटिस्टा फंजाय प्लांटी एनिमेलिया, किस में कौन सा ऑर्गेनिज्म है ये जहन में रख लिएगा। ठीक है, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी किस में? मुनेरा में। एल्गीस और प्रोटोजोअन्स किस में? प्रोटिस्टा में। फंगस किस में? किंगडम फंजाय में। प्लांट किस में? प्लांटी में। एनिमल्स किस में? इसमें एनिमेलिया में। तो ये जरा पांच किंगडम्स को ध्यान में भी डालिएगा। मैं इंशाल्लाह फिर अब कल जो है आपको इसके ऑब्जेक्शंस बताऊंगा कि विटिकर पे क्या ऑब्जेक्शन उठे थे, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि फिर उसका इलाज क्या निकाला गया था। ठीक है, एक बात तो ये हो गई, और अब रिकॉर्डिंग तो मैं रोक